देश के तमाम पूर्व सैनिक पहुंचे हैं। वो सर्वप्रथम उन्होंने देश के तमाम पूर्व सैनिकों ने यहाँ पर आके देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश के वीर नारियां, पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी पहुंचे हैं। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें यहाँ पर चारों तरफ से पुलिस लगवा के घेर दिया है कि और उनको, तो देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात तो दूर, उनको वार मेमोरियल में श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं करने दिया और पूर्व सैनिक बड़ी आक्रोशित है, उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने धमकी दी कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, सजा करा देंगे, उल्टी सीधी बात कही और इसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की भी की। आपको पूर्व सैनिकों की बात सुनाते हैं, क्या वो कह रहे हैं, बात सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा कि पूर्व सैनिकों के साथ क्या हुआ है। तो हमारे साथ शहीद हो गए थे, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं कि हमने श्रद्धांजलि, आज ये सरकार ऐसी है कि उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं देने दे रही है। हमारी ओआरओपी के बारे में तो बिल्कुल इनके जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग हमारी जो तमाम पूर्व सैनिकों की, वीर नारियों की वन रैंक वन पेंशन की जो मांग है, जिसको आज जिसको भाजपा सरकार बोलती है, मौजूदा सरकार बोलती है कि हमने दे दी है, लेकिन अभी तक 97% जो जवान जेएसयू जो हैं उनको कुछ नहीं मिला है। हम सिर्फ आज इस उससे आए थे कि पैदल यात्रा करके हम लोग जाएंगे मोदी जी के पास कि मोदी जी हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। लेकिन जब आप दिवाली होती है, आप सैनिकों के बीच में जाते हो दीपावली मनाने के लिए, त्योहार होता है सैनिकों के बीच में जाते हो, बड़ा खाना होता है सैनिकों के बीच में जाते हो, और आसान स्वयं चलकर तमाम पूर्व सैनिक, तमाम गौरव सेनानी, वीर नारियां पैदल चलकर इतनी दूर से, अपना हरियाणा से, उत्तराखंड से हम लोग पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी ने अपनी 105वां एपिसोड मन की बात बोल दी है, लेकिन हमारी मन की बात कौन सुनेगा, पूर्व सैनिकों के मन की बात कौन सुनेगा। वीर नारियां जिनके परिवार, जिनके जिनके पति शहीद हो गए, जिनके बेटे शहीद हो गए, उन माँ की बात को कौन सुनेगा। आज पुलिस हमारे लिए यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है, हम तैयार हैं, चाहे पुलिस हमें गोली मार दे हम भी तैयार हैं। भारत माता की जय।